हेलो डियर स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रीओपनिंग को लेकर एक काफ़ी फेक मैसेज जो है वायरल हो रहा है, तो चलिए आज इसका खुलासा करते हैं। 31 मार्च 2021 का ये नोटिफिकेशन है, इस तरह का इसमें दर्शाया गया है। तो काफ़ी बारीकी के साथ इसमें मतलब कि सारी चीज़ें इस तरह से साफ साफ लिख दी हैं कि किसी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि ये रीओपनिंग का नोटिस फेक है। ठीक है, तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे और जो है ये भी जानेंगे, क्योंकि यार देखिएगा हमारी यहाँ तक की जो इंग्लिश की मैम है उन्होंने भी ये नोटिस हमको सेंड करा है, हमारे जो स्टूडेंट हैं CR वगैरह हैं वो भी इस मैसेज को सेंड कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो मैं यूँ बताऊँ कि खूबसूरती ये है कि इसमें हर चीज़ छिपी हुई है कि ये आपका ये फेक नोटिस है। ठीक है, और उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ये फेक नोटिस क्यों फैला रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इनका ये नंबर भी दे रखा है, जो पूरी तरह से ये इनका एडवर्टीजमेंट नंबर या नोटिफिकेशन नंबर पूरी तरह से गलत है। डेट आज देख सकते हो 31/3/2021 है। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग ऑप्शनल फिजिकल क्लासेस। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्लासेस का ऑप्शन देने के लिए स्टूडेंटों को कॉलेज रीओपन करे जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ और आपका सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और ऑल स्ट्रीम इंक्लूड NCVAB एक्स स्टूडेंट और रेगुलर और आपके SOL। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि ये नोटिस जो है हम इसके संदर्भ में आपको दे रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये नंबर दे दिया है फिर। ठीक है, तो देख सकते हो किस तरह से मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में इन्होंने एक फेक नोटिस में इसमें लिखा है फिर कि जितने भी हमारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा और जितने भी हमारे कोर्सेज वगैरह हैं एनुअल सेमेस्टर सेमेस्टर मोड अकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, तो उन सभी को सलाह दी जाती है कि टीचर्स के ऊपर स्टूडेंट फैकल्टी के ऊपर प्रेशर आने के कारण जो है फिजिकल क्लास कॉलेज ओपन होंगे। ठीक है, फिजिकल क्लास के रूप में ऑप्शन दिया जाए और ऑल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक आपका देखिएगा अब अप्रैल चल रहा है। ठीक है, फोर्थ मंथ चालू हो गया है, ये मई के से बात कर रहे हैं कि 1 मई 2021 से आपके कॉलेज खुल जाएं फिजिकल मोड में। ठीक है, तो देख सकते हो इस जिस तरह से स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा यार ये नोटिस इस तरह से कैसे दे दिया, तो मैंने भी जाके वेबसाइट पे चेक करा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आगे इन्होंने लिखा है तो यही कि डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट के जो फ्यूचर हैं मतलब कि भविष्य को देखते हुए इस एकेडमिक प्रेशर को ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि स्टूडेंट की क्लासेस हमें स्टार्ट करेंगे प्रेशर के कारण। तो आगे लिखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में देख सकते हो यहाँ पर कि आने वाले दिनों में एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जो भरना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, उसमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि मोड ऑफ लर्निंग की, कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन, और वो आपको फिर कॉलेज में अपनी उसकी फोटोकॉपी सबमिट करानी होगी। पांचवें पॉइंट में फिर आपको ये लिखते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी होगी कॉलेज के लिए। ठीक है, और देख सकते हो ना मैंने कितनी बारीकी के साथ सारी चीज़ लिखी है और कह रखा है। आगे लिखते हैं ये कि टीचर्स जो हैं काफ़ी एक साल बाद जो है फिजिकल मोड में पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो जो है वो फैमिलियर हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इन्होंने फिर इसमें टाइप करा है कि 20 स्टूडेंट एक क्लास में क्लासरूम में होंगे और 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। ठीक है, और आगे लिखते हैं कि ये कि आपका जितने भी हमारे वो है हमारी क्लासेस वगैरह, अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हुआ तो उन फिजिकल क्लासेस को हम मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भी ऑनलाइन बच्चों को देंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे ऑनलाइन पढ़ेंगे और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे। और देखिएगा ये फेक नोटिस एक प्रकार का, और यहाँ पर इन्होंने टाइप भी कर दिया अप्रैल फूल। ठीक है, आपका भी अप्रैल फूल बन गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छठा पॉइंट में लिखा है कि अदर डिटेल के लिए आप इस वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा गया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो के लिंक को देखते हैं कि ये कौन सा वीडियो का लिंक है। ये जिसने भी ऐसी कार्रवाई मतलब कि वो लिया है इस नोटिस को इस तरह से टाइप करा है, तो मैं चाहूँगा यार ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लिंक है जो हमने निकाल लिया है टाइप करके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और इसे ओपन करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही देखिएगा आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और ये वीडियो आपकी चालू भी नहीं होने की। ठीक है, और ये बता रहा है दिस वीडियो इज अनअवेलेबल। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ आ गया है, और देखिएगा हम एकदम क्लियर आपको दिखा दें तो एक बार मतलब कि जो वीडियो है वो एक सॉन्ग की वीडियो प्ले हो जाती है और कभी भी जो है ऑफिशियल नोटिस इस तरह से नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर एक सिग्नेचर भी दे रखे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि सिग्नेचर भी दे रखे हैं और स्टूडेंट उससे जो है पागल बनने
यहां तो इस सिग्नेचर में, तो देखिएगा जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वाला म्यूजिक इसमें चल रहा है, ठीक है, जो एक फेक नोटिस है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे फेक नोटिस से आपको कैसे बचना है, बचने का मैंने आपको बता दिया। नीचे हर डिटेल्स को ध्यान में देखिएगा, नोटिफिकेशन का जो नंबर है ये डेली यूनिवर्सिटी में कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक, और ये पूरी तरह से फेक नोटिस है, और ये हमने इसका दावा जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि अपने आप को बता रहे हैं कि हम जो है कॉलेज रीओपन करेंगे आपका 1 मई से, जो पूरी तरह से फेक नोटिस है। तो ऐसे वायरल हो रहे मैसेज को आपसे प्लीज़ निवेदन है कि ऐसे मैसेज को शेयर ना करें, इसकी पूरी पड़ताल करके मैंने आपको बता दिया है, लिंक वगैरह पे भी सबको क्लिक करके बता दिया है कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि OSD एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पर इनके साइन भी हुए हुए हैं। तो आई होप कि आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि ये फेक नोटिस से आपको कैसे बचना है, ठीक है। तो ये फेक नोटिस था, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन असली क्या है और गलत क्या है, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।